दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी दुआओं की वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह हो गई है और आज का मौसम गजब का खतरनाक वाला है मौसम दोस्तों। एकदम कोहरा छाया हुआ है आज तो, बदरी बदरी टाइप में है। और यहाँ पे अनी भी उठ गई हैं। अनी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज मौसम बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। तो मैंने आज सुबह सुबह ही जैसे उठी हूँ, अपना मुंह धोई हूँ, बस तुरंत अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और जैसे मैं उठी हूँ वैसे पीछे पीछे ये अन्नी भी उठ के तैयार है। अब चलते हैं नीचे, चाय पानी की तैयारी करते हैं, है ना अन्नी? जाओ करो। हाँ रुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है, बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और आज मौसम लग रहा है कि फिर से ठंडी वापस आ गई है, लेकिन हम लोग रात में फ़ैन चालू करके 2 दिन से सो रहे हैं दोस्तों। बहुत गर्मी, उमस जैसा महसूस हो रहा है, अभी से गर्मी पड़ने लगी बताइए। तो जून जुलाई, मई जून जुलाई में क्या हालत होगी? अभी से हालत इतनी है तो आगे वाली गर्मी कैसे झेलेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। दिन भर एसी चलेगी, रात भर एसी चलेगी। यस, दरवाज़ा बंद करो। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे। और चलो क्या सूर्य भगवान प्रणाम कर लो। देखिए भगवान दोस्तों दिखते हैं, देखते हैं दोस्तों को, दिखाते हैं। नहीं दिख रहा है, दिखा नहीं, दिखेगा, बहुत उधर है। आओ नीचे चलते हैं। नहीं तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और फटाफट अपना काम निपटाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट कर लिया है और चाय भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मेरे पानी गर्म हो गए हैं, पानी पीने के लिए, सुबह सुबह खाली पेट गर्म के पानी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि मैंने मूंगफली को भून करके निकाल लिया है और चूड़े को जो है धुल करके रख लिया है। तो आपको लग रहा होगा कि इतना फटाफट काम क्यों? तो दोस्तों, मैं लगातार काम करती हूँ ना, तो इसलिए मेरा काम फटाफट हो जाता है। तो मैंने फटाक से पोहा बना करके निकाल लिया और यहाँ पर आलू भी डाल दिया भूनने के लिए, मसाला भी पीस लिया और सोयाबीन को भी मैंने गर्म पानी में भिगो दिया ताकि अच्छे तरीके से वो फूल जाए। और मेरा पोहा भी बनके हो गया है रेडी दोस्तों। तो मैं लगातार काम करती हूँ ना, तो इसलिए मेरा फटाफट काम निपट जाता है। मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ अपने काम जब मैं करती हूँ तो। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय सब्जी छौंक करके, क्योंकि अनी को भी जाना होता है स्कूल, इसलिए जल्दी जल्दी जाना। पसंद से क्या होता बेटा? नहीं, तुम्हारे पसंद नापसंद से क्या होगा? जो है उसी को लेके जाना पड़ेगा, जो भी कलर है उसी को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारे ना पसंद ना पसंद से क्या होता? चलो स्कूल, लेट हो रहा है। दिखाओ, चलो बेटो उतरो, दिखाओ गंदा साफ तो है। अच्छा साफ है, ये सब गंदगी पोत का ये साफ है। चलो आराम से, चलो चलो आराम से चलो। तो दोस्तों, अनी को स्कूल भेजने के बाद मैं फटाक से नहा ली और पूजा भी कर ली और मैं अपना नाश्ता भी लेकर के आ गई हूँ। ये देखिए पोहा है और मेरा चाय। तो आज गुरुवार का दिन है तो आज मैंने इसीलिए मैंने पीला पीला कपड़ा पहना है दोस्तों। और आज के दिन ना मुझे पोछा लगाती हूँ, ना ही कपड़े धोती हूँ, ना मैं अपने शरीर पे साबुन लगाती हूँ। तो इसीलिए फटाक से पानी से नहाना था, तो आज मैं जल्दी से नहा ली हूँ और पूजा वूजा सब कुछ हो गया मेरा। और सब्जी मैंने बना ही लिया है, सिर्फ रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा उसके पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है। और नाश्ता करते करते मैं देख लेती हूँ अपनी फेवरेट सीरियल अनुपमा, क्योंकि मैं 2-3 दिन का मेरा मिस हो गया है, चली गई थी मैं आगरा। तो देख लेते हैं पूरा एपिसोड, 2-3-4 एपिसोड जो भी है मेरा छूटा हुआ है सब मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद रोटी वोटी बनाऊँगी। अनी तो आएंगी अभी 1:30 बजे, उसके पहले मैं देखो के रिमोट विमोट छिपा दूँगी। नीतू आती है ना, तो रिमोट अगर पा जाती है तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक टीवी ही देखती रहती है। तो इसीलिए मैं रिमोट छिपा देती हूँ
और मोबाइल तो देती नहीं हूँ देखने के लिए उनको, तो इसीलिए वो अपना खेलती हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई भी कर लेती हैं, नहीं तो फिर बस टीवी 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 टीवी। तो ठीक है दोस्तों, मेरा चाय ठंडा हो जा रहा है तो मैं चाय पी लेती हूँ, और आप भी आ जाइए, और किस किस को पोहा पसंद है कमेंट करके बताइएगा, और उसके साथ चाय। और आप मुझे, आप सबको पता ही है कि मैं चाय बहुत पीती हूँ, लेकिन अब गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा कम कर दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों जा रहे हैं अनी का ये टेडी बियर सिलने, जो कि अनी जो इसका चैन जो है निकाल दी थी, एक देख सकते हैं इसका सारा कॉटन बाहर आ गया है, इसको सिल दूँ नहीं तो फिर ये सारे जो है रुई जो है बाहर आ जाएगा, तो ये ख़राब हो जाएगा। एकदम नया है टेडी, जिस दिन मिला उसके अगले दिन ही इसका चैन वैन सब फेल कर डाली है, तो इसको चलते हैं सिल देते हैं। यहाँ पर मैं सुई धागा लेकर के बैठ गई हूँ सिलने के लिए, तो सिल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मैंने ये सिल दिया है, और अब देखिए सही लग रहा है, नहीं तो बाहर बाहर था इस बेचारे का टेडी की जो है रुई। तो दोस्तों यहाँ पे अनी का होमवर्क करवा रहे हैं, और हम भी पीला, अनी भी पीला, दोनों लोग पीला पीला। आज है गुरुवार तो आज मैंने अनी को भी पीला पीला पहनाया है, देखो झिट्ठू मिटका कर रही। तो ठीक है फ्रेंड, अभी अनी का होमवर्क करवा देते हैं, मिलते हैं आपसे। हाय फ्रेंड, हम होमवर्क कर रहे थे इसलिए रोज रोज हम ऐसा घुमा कर रह जाते हैं, इसलिए हम रोज रोज पढ़ाई करते, इस पढ़ाई नहीं टीवी देखते हैं, और आज पढ़ाई कर रहे हैं। आज ये एक वाला मिला है, उसका नाम छोटा आगरा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने वीडियो। रोज पेंसिल और रबड़ और कटर खोवा करके आती हैं, है ना, रोज नया एक पेंसिल दो, रबड़ दो, कटर दो, कुछ भी दो, सब पता नहीं इसके दिमाग बुद्धि कहाँ रहता है कि अपना लिखती है, ये नहीं है कि हाँ फिर बॉक्स में डाल करके बंद है, रोज खाली बॉक्स लेकर के आती लड़की। चलो ठीक है आ जाओ। ठीक है दोस्तों, पहले इनको पढ़ा लेते फिर मिलते हैं आपसे।